नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शर्मा टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक बेजुबान जानवर की वफादारी के आगे मुख्यमंत्री ने झुकाया सिर। नक्सलियों ने किया पूर्व सरपंच पर फायरिंग। ब्रेकअप होने से नाराज युवक ने दी पुलिस को बम होने की झूठी खबर। आरोपी हुआ गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ ऐसी पावन धरती है जहां एक बेजुबान जानवर को उसकी वफादारी के लिए देवता का दर्जा दिया जाता है और प्रदेश के मुखिया खुद इस गहरी लोक परंपरा के सम्मान में सिर नवाते हैं। जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बालोद जिले के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे दिन की शुरुआत खपरी स्थित कुकुरदेव मंदिर में पूजा अर्चना से की, आस्था और आश्रम का अद्भुत संगम कुकुरदेव मंदिर मानव पशु प्रेम की अनोखी मिसाल पेश करता है। यहाँ एक स्वामी भक्त कुत्ते की समाधि है जो लोक मान्यता के अनुसार अपने मालिक के प्रति आखिरी सांस तक वफादार रहे। मुख्यमंत्री ने कुकुरदेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। उन्होंने मंदिर के पुजारियों को वस्त्र प्रदान किए। उत्तर बस्तर के दुर्गकोंदल विकास खंड स्थित मोनेट इस्पात लिमिटेड की खदान में नक्सलियों ने हमला किया, जिससे खदान में मौजूद पूर्व सरपंच नोवर सिंह तुलावी गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार नोवर सिंह अपने ट्रक को लोड करवाने खदान पहुंचे थे। इसी बीच खदान के प्रवेश द्वार पर तीन अज्ञात व्यक्ति पहुंचे और ऑपरेटर से चर्चा करने की बात कहकर खदान के अंदर प्रवेश कर गए। वहां से वे सीधे नोहर के पास पहुंचकर उन्होंने फायर कर दी। अपने ऊपर हमला देखकर नोहर तुलावी ने वहां से भागने का प्रयास किया, परंतु हमलावरों ने उसे पकड़ लिया और उसको फिर से नजदीक से कई गोलियां उतार दी। उसके बाद उसके सिर पर एक पत्थर भी पटक दिया। घटना से आसपास दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है। खदान में कार्यरत लोगों के द्वारा तत्काल उसे दुर्ग कोदल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां उपचार चालू है और पीड़ित की हालत गंभीर है। इसे देखते हुए इसे बाहर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई है, वहीं सर्चिंग को भी तेज कर दिया गया है। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने से नाराज युवक ने पुलिस को फोन कर मुंबई के बाजार में बम होने की खबर दी, जिससे पुलिस थाने में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मुंबई के जावरी बाजार इलाके में बम होने की झूठी जानकारी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी दिनेश सुतार ने सबसे पहले रविवार को सुबह मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष में फोन किया और बीड जिले के पास जामखेड़ में बम होने की बात कही। इसके बाद उसने दोबारा फोन कर जावेरी बाजार में बम होने की कथित जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस बम रोधी दस्ते के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन के नंबर के जरिए उसका पता लगाया। इसके बाद लोक मान्य तिलक मार्ग के पुलिस कर्मियों ने उसे फोन करके ये बताने को कहा कि बम कहाँ लगाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड से संबंध टूटने की वजह से परेशान था। मामले की जांच जारी है। देश प्रदेश की बड़ी और अहम जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।